इसके पीछे भी एक शॉर्ट सी स्टोरी है। ऐसे स्टोन के ब्रिज आपको मिलेंगे, इसके नीचे से कश्ती जाएगी। ये बाकू की जो है सबसे रोमांटिक जगह है। अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं लिटिल वेनिस, इसे मिनी वेनिस भी बोलते हैं। वेल, जैसे ही आप अजनीत स्क्वायर से, ये जो है अजनीत स्क्वायर, इससे वॉक करके आगे की तरफ आएंगे तो आपको ये सामने मिलेगा ब्यूटीफुल अमेजिंग लिटिल वेनिस। इसके पीछे भी एक शॉर्ट सी स्टोरी है। आपको पता है नहीं, कोई भी जगह हो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। हमको सिखा दिया है। इसके पीछे जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट कहूँगा मैं, वो वेनिस गए थे, जो रियल वेनिस है वहाँ पे वो गए थे। तो उनको वो वेनिस बहुत पसंद आया, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी कंट्री में एक ऐसा ही छोटा सा वेनिस बनाऊँगा, जो कि ये है लिटिल वेनिस। तो यहाँ से बोट भी चलती है लेकिन शाम के वक्त, अभी तो 11 बजे का टाइम है तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन शाम के वक्त इसको विज़िट करने का एक अपना ही मज़ा है। तो यहाँ से बोट चलती है 1 से 2 मनात में आई थिंक, जो आपको पूरा टूर देती है जितना भी ये है वो लास्ट तक। काफ़ी बड़ा है ये, इतना छोटा भी नहीं है। इसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे आइलैंड बना रखे हैं और ऐसे स्टोन के ब्रिज आपको मिलेंगे, इसके नीचे से कश्ती जाएगी आगे तक। मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा इसका व्यू। यहाँ से ये स्टार्ट होता है और आप देखो कि वो लास्ट तक है। और इसके आसपास आपको डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे आप यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हो और इजिप्शियन एंड अरेबिक फूड भी। तो गाइस यहाँ से इसका व्यू देखो, वो देखो एक बड़ा टर्नल, कितना खूबसूरत है ये। ये बाकू की जो है सबसे रोमांटिक जगह है। 1960 में ये बना, नाम ही इसका ऐसा है लिटिल वेनिस मिनी वेनिस। टूरिस्ट को ये नाम बहुत अच्छा लगा और उन्हें यहाँ पे विजिट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये है भी बिल्कुल सेंटर में। अजनीत स्क्वायर जो कि बाकू का सेंटर है, वहाँ से थोड़ा सा आप आगे आओगे तो आपको ये लिटिल वेनिस देखने को मिलेगा। और साथ ही उसकी उस तरफ अगर आप देखो तो वो है कारपेट म्यूज़ियम, उसके अबाउट मैं व्लॉग बना चुका हूँ। अगर वो व्लॉग आपने देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप एक जगह विज़िट करोगे तो आप साथ ही दूसरी जगह विज़िट कर सकते हो। कारपेट म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो और उसके साथ आप टेनिस मॉल विज़िट कर सकते हो, और उससे थोड़ा सा और अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा, सॉरी आई थिंक इन्होंने ये क्लीन किया है, मैं स्लिप होने लगा था। ये है भाई लोग इनका मेन्यू 12 मनात में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये अभी आई थिंक इसको क्लीन कर रहे हैं। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे बैठ के आप डिनर कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये। तो चलते हैं एक और ब्रिज के ऊपर। ये टनल खूबसूरत है यहाँ से। मैं आपको इस ब्रिज के ऊपर से दिखाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। ये देखो आप गाइस, यहाँ पर उन्होंने 2 बड़े और 2 छोटे आइलैंड बना रखे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरह के 1, 2, 3, 4 ब्रिज हैं। वहाँ से कश्ती आपको लेके आएगी 1 से 2 मनात में बोर्ड, जो कि सीधा ये एंड है, यहाँ से टर्न करेगी और फिर वापस आपको ले जाएगी। तो ये एक
रोमांटिक प्लेस है। इसको विजिट करने का बेस्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त है। शाम के वक्त ये और भी खूबसूरत दिखता है। इसके साथ कारपेट म्यूजियम, डेनिस मॉल, वो देख सकते हो आप। ये देखो, ये है डेनिस मॉल और इसकी बैक साइड पे आपको बाकू आई देखने को मिलेगा। बहुत ही क्लीन एंड रिफ्रेशिंग पार्क है ये। मैं कहूँगा कि बाकू का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आप यकीन करो, अपनी फैमिली के साथ आप इसको विज़िट करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई, जैसी बोर्ड आपको यहाँ से मिलेगी, एक मनात दो मनात में आपको यहाँ से मिलेगी, जो कि तकरीबन चार बंदे ईजिली बैठ सकते हैं इसमें, जो आपको पूरा राउंड लगा के वापस आएगी यहीं पर। और सामने आप देख सकते हो, ये है फ्लेम टावर, इसके साथ ही हाईलैंड पार्क है, उसका व्लॉग भी मैंने बना दिया है। अगर आपको देखना है वो व्लॉग, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैप्सियन सी वो साइड पे है। तो ये फुल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। वो देखो, अज़रबैजान का झंडा, और उस तरफ जो है वो ओल्ड सिटी है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। इस जगह पर अगर आप आओ तो तकरीबन चार से पाँच जगह आप विज़िट कर सकते हो इसके साथ, लिटिल वेनिस के साथ साथ आप चार से पाँच जगहों को विज़िट कर सकते हो। तो आप जब भी प्लान करो इसको विज़िट करने का, मेक श्योर कि आप इवनिंग में आओ, यहाँ पे बेस्ट प्लेस है ये। ऑलराइट, ये था मेरा मकसद आज का, कि आपको मैं ये प्लेस दिखाऊँ। मेरी एडवाइस यही है कि आप यहाँ पे आओ और विज़िट करो तीन से चार प्लेसेस को। एनीवे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये जगह आपको कैसी लगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।